सतीश भुवनेश्वरी। ज्ञान लेने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन भी आया है, लेकिन स्पेशल करके क्रोध मान सब कम हो गया, लेकिन विकार कम नहीं हो रहा है। कभी कभार मुझे भी पसंद हो रहा है, तन्मय कर हो जाता हूँ। वो गांठ बड़ी है। वो क्या डिस्चार्ज है? है डिस्चार्ज, मगर पहले राग भाव से चार्ज किया है, फिर राग भाव से डिस्चार्ज हो रही है। थोड़ा कुछ मैं बहुत बार आपके शक्ति मांगा है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं हो, धीरे धीरे अभी क्या है कि उतना ही उपाय करो। दो उपाय करने हैं। एक तो सुबह निश्चय करो कि हे दादा भगवान, मुझे मन वचन काय से शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन हो सके, ऐसे मुझे शक्ति दो। और दूसरा, मेरे मन वचन काय से किसी को दुख न हो, ये दो तो भावना करनी है सुबह। और रात को सोने से पहले, पांच आज्ञा में दिन में रहो, और रात को सोने से पहले दो बात और करनी है कि कहाँ दृष्टि बिगड़ गई, कहाँ विचार बिगड़ गए, उसके प्रतिक्रमण करो। और कषाय से, क्रोध से या मोह से या मान से किसी को दुख दिया गया, उसके भी प्रतिक्रमण करो। धीरे धीरे ये तो कितने अवतारों से यही गांठ बड़ी मजबूत की है, विषय विकार की ये ग्रंथि अटकण हो गई है। अभी टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे, नहीं 2% 5% भी थोड़ा ऐसे मोड़ सके ऐसे थोड़ा तो चेंज हुआ है ना। हाँ, बहुत चेंज हुआ। तो फिर और भी बढ़ेगा चेंज। मगर यही उपाय, रोज प्रतिक्रमण करते रहो, निश्चय मजबूत करते रहो, नहीं होता है। और दूसरा उपाय ये है कि इसका स्टडी करो कि विषय में कितने जोखिम है, ब्रह्मचर्य में कितने फायदे है, और हम जो मानते हैं इसमें सुख है, मजा है, मगर है सचमुच? चेक करते जाओ। और बार बार हमारी बुद्धि कितने अभिप्राय है उसके पास, कैसे विषय में सुख है, और ज्ञान से एक एक अभिप्राय को हम तोड़ना चाहते हैं। एक अभिप्राय टूटेगा, दूसरा अभिप्राय निकलेगा, ऐसे मजा आएगी। तीसरा अभिप्राय आएगा, ऐसे मजा आएगी। और एक एक के बाद एक एक को ज्ञान से छेद उड़ाते जाने का, एक नहीं इस प्रकार इसमें सुख नहीं है, ये तो परवशता वाला सुख है, डिपेंडेंसी वाला सुख है, एक क्लेम वाली बात है, एक बार वैर बंधेगा तो कितने अवतार बिगड़ जाए। ऐसे धीरे 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 स्टडी करके करके गांठ को तोड़ना है। तो टीवी देखना तो छोड़ने पता? हाँ, वो जितना मोह का, जिस जहाँ से मोह बढ़ जाता है, उसको सब निमित्त को दूर करते जाओ धीरे धीरे, शक्ति मांग के। शक्ति दीजिए। हाँ जी। और जित जो पांच इंद्रियों में जितना अनुभव होता है वो डिस्चार्ज है, तो मन तो पांच इंद्रियों के पर है, तो वो भी डिस्चार्ज है अपने मत? मन भी डिस्चार्ज, बुद्धि भी डिस्चार्ज, अहंकार भी डिस्चार्ज, अंतस्करण और बाह्यकरण सभी डिस्चार्ज वाला। चित्त कैसे डिस्चार्ज होता है? चित्त यानी क्या है कि अभी नहीं, आपको नहीं चाहे तो भी चले जाता है ना। हाँ। किसी को खाने में चित्त चले जाता है, किसी को विषय में चित्त चले जाता है, किसी को मान में चाहेगा, चले तो जाते हैं, लेकिन क्या करना है? तो करने का कुछ नहीं, उसको जानने का कि ये सतीश का चित्त कहाँ कहाँ चले जाता है, उसको देखो। और किसी के ऊपर मोह दृष्टि हो तो उसके प्रतिकोण प्रत्याख्यान कराओ, किसी के प्रति द्वेष दृष्टि हो गई तो वहाँ प्रतिकोण कराते जाओ। वो इमीडिएटली जितना होता है उतना है, बाद में नहीं होता है। बस चलेगा, वो भी कम होते जाएगा। और उसको जानने से, उसको जुदा देखने का, सतीश का चित जा रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी कभी कभार होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये क्या है कि ये भरा हुआ माल है, अभी उसको संभाव से निकाल करना है। 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे के लिए सामायिक में देखो, सारे दिन में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई, कहाँ कहाँ शुद्ध उपयोग नहीं रहा, कहाँ पांच आज्ञा मिस हो गई, वापस रिसेट करो, तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ते जाएगी। ये जागृति से ही कचरा कम होएगा। हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब जीव है, आपने बताया, तो सॉल्ट में जीव है क्या? सॉल्ट, सॉल्ट में यानी ये जो एक इंद्रिय जीव है वो अलग है, मगर उसके लिए आप यानी पानी है या नमक आया, वो सब वो अलग प्रकार के जीव है, उसको कोई पृथ्वी काय जीव है, यानी जो रो फॉर्म है ना हम तोड़ के निकालते हैं, वो पृथ्वी काय जीव बोला जाता है। पर उसके लिए सोचने की जरूरत है खाने का कि नहीं खाने का, जो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक उसको त्रस काय जीव बोला जाता है, उसको दुख मत दो कि एक इंद्रिय के लिए बहुत डिस्टर्बेंस मत रखो, आराम से जो भी नमक डालना है नमक डालो, मिर्ची खानी है मिर्ची खाओ, दूधी को काट के खाओ, गेहूं को भी दल के फसला से आटा बना के खाओ। अभी सॉल्ट में आत्मा है कि नहीं? सॉल्ट यानी रो फॉर्म में है, रो जब जो निगुद अवस्था माउंटेन है कोई। हाँ। उसमें है, वो नमक निकलता है उसमें है। हम लोग जो खाते हैं उसमें नहीं है, वो सब निकल गया आत्मा, तो वो जीव नहीं है। अरे इसको क्या करना है आपको? जीव किसो वंचे जो दिखता है उसको दुख मत दो, बहुत हो गया।
ये नहीं दिखता है कि नहीं, उसमें भी डाउट है आपको। पहले तो मदर फादर को, हस्बैंड वाइफ को, बच्चे को, माँ बाप को, किसी को दुख मत दो। हमारे फ्रेंड्स को, बॉस है, असिस्टेंट है, कलीग है, सबको दुख मत दो। मनुष्य को दुख देने का बंद करो और पंचेंद्रिय जीव को दुख देने का बंद करो। बाद में खटमल है, चीटियाँ है, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय तक जाओ, एक इंद्रिय के लिए बहुत सोचो मत। पहले वो नेक्स्ट लाइफ में देख लेंगे, पीएचडी का कोर्स, अभी तो हम प्राइमरी में है। रहने की शक्ति दी है। मले का भगत, हम ये मानते हैं कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा जन्म मिलता है, तो कर्म कौन करता है, आत्मा या शरीर? जन्म किसको मिलता है, आत्मा या शरीर को? आत्मा को भी नहीं और शरीर को भी नहीं। बीच में शरीर मैं हूँ, मेरा है मानने वाला अहंकार उत्पन्न हो गया। अहंकार कर्म बांधता है, अहंकार ही दूसरा शरीर प्राप्त करता है और अहंकार ही दूसरे शरीर द्वारा कर्म का फल भुगतता है। आत्मा तो आवरण में भय, आवरण आत्मा के ऊपर आवरण आ जाने की वजह से अहंकार उत्पन्न हो गया है। आत्मा की अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ है और देह को मैं हूँ मानता है। उसी को ये देह को नहीं, नाम भी मैं मले का हूँ, ये मानने वाला ही अहंकार है, आत्मा नहीं मानता ऐसा। अहंकार ही कर्म चार्ज भी करता है, कर्म का फल भुगतता भी है। और उसकी अज्ञानता चली जाएगी तो फिर आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो अहंकार खत्म हो जाएगा। बाद में डिस्चार्ज अहंकार रहता है कर्म का फल भुगतने के लिए, पर नया चार्ज करने वाला अहंकार चले गया, बाद में करा नया कर्म बंधा नहीं जाएगा। समझ में आया? आत्म साक्षात्कार हुआ है कैसे पता चलता है? क्या उसका भी कोई, उसके बाद में भक्ति करनी पड़? आत्म साक्षात्कार हुआ, जैसे हमारे घर में लाइट हुई तो कचरा दिखेगा, साफ सुफ कर सकते हम, अंधेरा में कचरा नहीं दिख रहा था। तो हमारी खुद की गलतियां दिखे, दूसरे को निर्देश दिखे, निर्दोष दिखे, तो समझना सच्चा आत्म साक्षात्कार हुआ। बाकी आत्मा हूँ बोलने से आत्म साक्षात्कार नहीं बोला जाता है। दूसरे को दुख देते, कषाय हो गया, राग द्वेष करते हैं और हमारी गलतियां हमें नहीं दिखती, वहां तक आत्म साक्षात्कार नहीं बोला जाएगा। और उसके बाद स्वरूप की भक्ति करनी है, आत्मा की ही। प्रत्येक जीव मात्र के भीतर आत्मा है और वही भगवान है, वही परमात्मा है। किसको दुख देंगे हम? दुख दिया गया तो भी पश्चाताप हो जाता है, अरे भीतर में भगवान है, मैं क्यों दुख दे दूं? तो ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये शुरू हो जाता है, दूसरे के दोष नहीं देखना, खुद के दोष देखना। और किसी को दुख दिया गया, किसी को दोषित देख लिया तो दिल से पश्चाताप करके धो डालते हैं। और जो हमें मान देता है वो दुश्मन है, अपमान करता है दोस्त है। वो मोक्ष के लिए, जिसको मोक्ष जाना है तो ये बात समझनी चाहिए कि मान देने वाला के ऊपर राग मत करो, अपमान करने वाले के ऊपर द्वेष मत करो। ये राग द्वेष के वजह से ही हमें संसार में भटकना पड़ा है, क्योंकि मान किसको देता है, अपमान किसका करता है। वही अज्ञानता से मान देने वाले पर राग हो जाता है, मान प्रिय लगता है, अपमान करने वाले पर द्वेष होता है, अपमान दुखदायी लगता है। पर अपमान मलेका का होता है, आपका नहीं। तो मैं ही मलेका, वो अज्ञानता से ही मेरा अपमान हुआ, उसके वजह से अपमान करने का वाले पर द्वेष हो जाता है और मान के ऊपर राग है, अपमान करने मान देने वाले के ऊपर राग हो जाता है, मान प्रिय लगता है। तो ये जागृति रहनी चाहिए कि मान और अपमान दोनों द्वंद्व से हमें मुक्त होना है, आत्मा का अनुभव में आगे बढ़ना है। तो मान अपमान वो मान का रीपेमेंट है, मान की लोन ली है तो अपमान रीपेमेंट होएगा तो खुशी मनाने के, चलो मेरा अपमान हुआ, उतना मान मेरा कम हुआ, मुझे मुक्ति मिली दोस्तों से। जय सच्चिदानंद। नितिन चेन्नई। अभी मैं एक जॉब करता था तो मेरे जो बॉस हैं, मैनेजर ने बहुत मेरे को तंग किया, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, अभी अच्छा जॉब मिला है। तो ये ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होता है इसको कैसे टैकल करना है? बिना मतलब में सताते हैं। आज मेरे को प्रमोशन होना था, प्रमोशन भी नहीं दिया, अपना चमचा को प्रमोशन दे दिया। मगर कौन भुगतता है? बॉस भुगतता है, चमचा भुगतता है, हम भुगतते हैं। तो भुगतता है उसकी गलती, दूसरे की गलती देखने से ही ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। अभी जो भी जॉब है नया मिला है, अच्छा जॉब मिला, हाँ अच्छा लगता है आपको, तो देखो ना, अभी आपको अच्छा जॉब मिला तो वहाँ तरक्की होती थी, उसके बदले भी अच्छा मिल गया,
तो आपको मालूम नहीं मेरा उधर अच्छा हो गया कि दूसरी जगह अच्छा हो गया, आपको क्या मालूम है? तो हमें ये कौन देता है? हमारा ही कर्म हमें वहाँ तरक्की नहीं मिली, यहाँ दूसरा जॉब लेना पड़ा तो ये हिसाब था तो यहाँ हमें आना पड़ा। यानी बॉस का दोष नहीं है, चमचा का भी दोष नहीं, हम द्वेष करने जैसा नहीं है। हमारा ही कर्म हमें कर्म के वजह से ऐसे बॉस मिलते हैं, और हमारा ही कर्म पूरा हो गया तो ये बॉस से हम छुट्टा होएंगे, दूसरा बॉस मिलेगा। नहीं, अभी अभी तो बॉस बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा मान लीजिए फिर कोई पॉलिटिक्स स्टार्ट करेगा तो आप इतना स्ट्रांग रहो कि मुझे ये व्यवहार को समभाव से पूरा करना है। हमारा कर्म पूरा करने के लिए मैं जॉब करता हूँ, हमारी जिम्मेदारी फर्ज अदा करने के लिए मैं जॉब करता हूँ, मुझे किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं करने हैं। नहीं, वही कुछ आइडिया दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं। कल ज्ञान ले लो, ज्ञान में आपको चाबी बता देंगे, फाइल, ये फाइल है जॉब और कैसे संभाव से निकाल करना, उसकी चाबियां मिल जाएगी। ये हमारा कर्म का फल आया है, उसमें संभाव कैसे रखे, राग द्वेष न करे और समता भाव में रह के कर्म पूरा कैसे करे, उसकी चाबियां कल दे देंगे आपको ज्ञान विधि में, ज्ञान विधि के बाद में। हाँ, मगर वो ज्ञान में रहोगे ना तो आपको कोई हरकत नहीं आएगी और धीरे धीरे आपका कर्म पूरा होते जाएगा। नहीं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, फिर भी प्रमोशन नहीं मिला मेरे को। हाँ, हरकत नहीं, मगर हमारा कर्म का हिसाब है, इसके पीछे कोई किसी का दोष नहीं है। मैं भी जॉब किया था, बाद में एक जॉब छुटके दूसरी हो गई, दूसरी छुटके तीसरी हो गई। मैं तो, मेरा अनुभव मेरे पास रहा और मेरा अनुभव से मैं आगे बढ़ते गया। मेरा, मैं जॉब को सिंसियर था, बॉस मुझे कम पैसा दे या ज़्यादा पैसा दे, मेरी सिंसियरिटी ही मुझे ऊपर 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 हायर स्टेज में लेके गई। यानी हम हमारे तरफ से सिंसियरली रहेंगे। हाँ, किसी का दोष मत देखो, दोष बॉस का दोष नहीं, हमारा हिसाब है। और मैं अच्छा काम करता हूँ, अहंकार भी भीतर में बड़ा होते रहता है, वो अहंकार को कौन तोड़ेगा? ऐसे ही कोई निमित्त मिलता है हमारे अहंकार को तोड़ने वाले। यानी हमारा उपकार मानो कि हमें कोई गुनेगार मत। जब 90% क्लाइंट बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, अरे आपको सारे गांव वाले बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी है, मगर आपकी वाइफ को पूछे बोले जाने दो बस। तो क्या करना चाहिए, वाइफ की गलती है कि हमारी गलती है? ठीक है, समझ गया। हमारा भी कुछ दोष है, क्यों हमें ऐसे बॉस मिले? हमारा पुण्य का उदय होगा तो हमें अच्छा अच्छा निमित्त मिलते जाएगा, हमारा पुण्य पूरा हो जाता है तो बुरा निमित्त मिलते जाता है। वही आदमी हमारे लिए बुरा हो जाता है, हमारा पुण्य कम हो गया तो वही आदमी हमारे लिए बुरा हो जाएगा, और हमारा पुण्य प्रकाशित करेगा तो दुश्मन भी मित्र हो जाएगा। हमारा पाप पुण्य का हिसाब भुगतने के लिए हमारा ये देह है, हमारा ये संसार व्यवहार है। हमें संभाव से राग द्वेष नहीं मत करो, पुराने कर्म फल भुगत के पूरे हो गए तो हम मोक्ष में आगे बढ़ेंगे। समझ में आता है? हाँ। अंकित खारे, भोपाल। मैंने अद्वैत वेदांत में ऐसा पढ़ा था कि जो सोल है, मतलब इट्स जो एवरलास्टिंग एंटिटी है, द ओनली ट्रुथ, इट्स सोल, आत्मा कह लो या कुछ भी कह लो, मैं ये जानना चाहूँगा ये सबके लिए कॉमन होती है? मतलब वेदांत में लिखा है कि इंडिविजुअल सोल्स आर नॉट प्रेजेंट, एक एंटिटी होती है सब में जो कॉमन होती है, जो सबको एक तरह से एक तरह की ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये इंटरप्रिटेशन में या अंडरस्टैंडिंग में चेंज है। एक स्वभाव वाले आत्मा है, जैन शास्त्र बताए अनंत आत्मा है, क्योंकि रामचंद्र जी मोक्ष में चले गए, महावीर भगवान मोक्ष में चले गए, हम लोग यहाँ घूमते हैं राग द्वेष में, तो ये दो आत्मा अलग हो गए कि नहीं? बिल्कुल। जो नहीं, तो एक ही एंटिटी रहती तो सब चले जाते थे साथ में, ऐसा तो नहीं होता है। हकीकत क्या है कि एक स्वभाव वाला आत्मा है, जब केवल ज्ञान होगा तो सभी आत्मा को एक स्वभाव का अनुभव होगा, और जब तक अज्ञानता है अलग अलग आवरण है उसके लिए अलग अलग उसको अनुभव होते हैं, आवरण वाला ज्ञान है उसके वजह से, और जब आवरण सभी निरावरण हो गया तो वही जो अनुभव महावीर भगवान को हुआ, वही अनुभव रामचंद्र जी को हुआ, वही हमें भी होगा, केवल ज्ञान होगा तब। यानी आत्मा जैसे 40 वाट का बल्ब है, तो यहाँ किचन में भी है या ड्राइंग हॉल में है या बाथरूम में, सभी लाइट सरीखी देती है, पर व्यवहार क्षेत्र अलग अलग होने से अलग अलग चीज़ को प्रकाशमान करती है। पर जब खुद का अनुभव खुद करेगा तो 40 वाट का ही अनुभव सबको होएगा। ऐसे आत्मा का केवल ज्ञान होगा तो खुद का अनुभव सबको सरीखा ही होता है,
पर देखने जानने में अभी आवरण की वजह से इंद्रिय ज्ञान है, बुद्धि है, उसकी वजह से अलग अलग राग द्वेष की वजह से अलग अलग उसको दिखने में आता है, यानी लगता है, मगर है आत्मा सभी के भीतर में अलग अलग, यानी अस्तित्व सभी का अलग है, स्वभाव सभी का सरीका है। समझ में आया? ऐसे अनंत आत्मा इस संसार में है, और जब केवल ज्ञान पाएगा तो सभी आत्मा परमात्मा दशा में पहुंच सकने की अधिकार प्राप्त कर सकता है, सभी को अधिकार। समझ में आया? यस, थैंक यू। पारुल बेन गणेश भाई, चेन्नई। हाँ, तीर्थंकर भगवान को पहले जन्म में नरक क्यों मिलते हैं? इट्स नॉट नेसेसरी, नरक भी हो सकता है, देवगति भी हो सकती है। कितने ऐसे देवगति से आए हैं, पर नरक और देवगति दो में से ही आते हैं, नियम ऐसा है। अच्छा। मनुष्य में से तीर्थंकर नहीं होंगे, मनुष्य में से देवगति या नरगति में जाएंगे, बाद में तीर्थंकर होके केवल ज्ञानी होके करोड़ों का कल्याण करके मोक्ष चले जाएंगे। तो देखो, चार ही घर में चार रहता है, टॉयलेट बाथरूम रहता है, किचन रहता है, ड्राइंग हॉल रहता है, बेडरूम रहता है। आदमी कहाँ है, फोन करेगा, साहब किधर है? टॉयलेट में बैठे ऐसे बोलेंगे? अरे कोई चार में से एक जगह रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें क्या गलत है? डिस्चार्ज में तो कोई भी जगह आ सकती है, यानी कोई बुरा अच्छा कंपेरिजन करने जैसा नहीं, ये बुरा है ये अच्छा है। ये तो कर्मों बहुत पावरफुल आदमी बुरा भी बांध सकता है, अच्छा भी बांध सकता है, और इतना पावरफुल था तो बुरा बांध के इमीडिएटली केवल ज्ञान पाएगा, इतनी हाई स्टेज के तीर्थंकर हो जाते हैं। यानी हमारी बुद्धि से हम मापने जैसा नहीं है, ये तो कुदरती क्रम है। समझ में? दादा भगवान थे ना कि जितना ज्यादा जैसे इगोइज्म है तो वो जल्दी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है। जितना इगोइज्म ज्यादा है वो नहीं, जिसका ऐसे हो सकता है कि ज्यादा इगोइज्म होने से ज्यादा बुद्धि रहती है, और ज्यादा बुद्धि से ज्यादा दुख भुगतने होते हैं, सफरिंग बहुत आता है, और बाद में वो सोचता है कि मुझे छूटना है, तो ये दुख भुगतने वाला ही ज्यादा दुख संसार में आएंगे तो ही मुक्ति की आकांक्षा करेगा। अच्छा, वो व्यवहार में ना? व्यवहार में ही, निश्चय में तो शुद्ध ही आत्मा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नाम नहीं लिखा है, एक बहन। जितना हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं उतनी ही ज्यादा विचलित क्यों होता है? हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जितना ही ज्यादा सोचते हैं दूसरों की बातों से विचलित न होने, उतना ही ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमें अज्ञानता है स्वरूप की। आत्मज्ञान हो जाएगा तो हमें ये मन जुदा है, अहंकार जुदा है, और मैं शुद्धात्मा जुदा हूँ। बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार का कितना भी डिस्टर्बेंस आए, हम उसको नॉर्मलिटी में रख सकेंगे, डिप्रेशन भी नहीं आएगा, टेंशन भी नहीं आएगा, एकाग्रता भी सहज रहेगी। और आत्मज्ञान के बाद में सब आसानी का रास्ता खुला हो जाता है, आसानी से रास्ता खुला हो जाएगा। मनीषा जैन, चेन्नई। क्या पूछना है? पूजा और दर्शन से पुण्य बनता है, तो मोक्ष के मार्ग में मुझे पुण्य नहीं बांध के सीधा मोक्ष, तो ये सब जरूरी है? तो क्या पूजा दर्शन बंद कर देने का कल से? ऐसा नहीं, पूजा करो या दर्शन करो या दान दो, पर कर्ता भाव से कर्म बंधन होता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज कर्म है। पूजा करना, दर्शन करना, दान करना, शादी करना, सब संसार व्यवहार डिस्चार्ज कर्म है। उसमें कर्ता भाव, मैं ही मनीषा हूँ, मैंने किया, वो अज्ञानता से दूसरी लाइफ के कर्म चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ कौन करने वाला है और मैं खुद कौन हूँ, ये अज्ञानता चली गई तो कर्म करते हुए अकर्म दशा जो अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दी थी, कर्म करते हुए अकर्म दशा, वो हमें भी मिल जाएगी। कर्म के फल भुगतते रहना है, समभाव से निकाल करना है, और नए कर्म बंधन न हो जाए उसकी जागृति में रहना है। जागृति में तो रहना, लेकिन अपने जैसे अंदर से पूजा भाव ऐसे अंदर, हाँ तो होने दो, हरकत नहीं, करना है। मनीषा को बोले अच्छी तरह पूजा करो, दर्शन करो, प्रार्थना करो, संसार मत मांगो उनके पास। वितराग भगवान के पास वितरागता मांगनी है और मोक्ष मांगना है। हे भगवान, आप जैसे वितराग हुए ऐसे मुझे वितराग होने की कृपा करो, आप मोक्ष स्वरूप हुए ऐसे मुझे मोक्ष स्वरूप प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो। बाकी संसार मत मांगो, मुझे ये तबीयत अच्छी नहीं रहती है, मुझे अच्छी हो जाए, मेरे बेटे की तबीयत अच्छी नहीं है, सब संसार नहीं मांगना।
और दर्शन करो पूजा करो मगर वितरागता होने के लिए पूजा करते हैं तो हरकत नहीं। जय सच्चिदानंद।